दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लंगोट बनाने की जानकारी, लंगोट कैसे बनाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपके घर में कोई भी सिलाई करता है तो लंगोट बड़ी आसानी से ही अपने घर पर ही बना सकते हैं। आजकल लंगोट बांधना बहुत अनिवार्य हो गया है और बहुत सारे लंगोट बांधते हैं, तो अगर आप भी बांधना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि हमने एक लंगोट बनाया हुआ है तो इसकी जानकारी हम आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद हम आपको लंगोट की कटिंग बताएंगे। तो जैसा कि हमने एक लंगोट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे हम आसन लंगोट कहते हैं और ये जो आप पट्टी देख रहे हैं इसे हम आसन पट्टी बोलते हैं। ये आसन पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच से 8 इंच होती है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच हमने रखा है, ये मीडियम साइड की चौड़ाई है। कैसा, जैसा कि अगर किसी को हाइड्रोसील रहता है तो उसके लिए जो आसन पट्टी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई उसकी होनी चाहिए, क्योंकि उसको बांधने में अच्छा रहता है। और ये जो कमर वाला भाग है ये इसे लंगोट कहते हैं, जो ये कमर में बांधा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें नाड़ियाँ दोनों साइड में लगी हुई हैं, तो ये कमर में बांधने के लिए आता है। और लंगोट बनाना बहुत आसान है, तो इस तरह से आप लंगोट बना सकते हैं। हमने लंगोट का सिलाई का भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप लंगोट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि लंगोट की कटिंग कैसे होती है। तो जैसा कि इसके लिए आपको 1 मीटर कपड़े चाहिए, और वो कपड़े जो है वो कॉटन के होने चाहिए। कॉटन के इसलिए होने चाहिए कि बांधा जाता है इसको अंडरग्राउंड में, इसलिए मतलब जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं। बाकी जो अगर आप पॉलिस्टर के कपड़े या किसी और अन्य कपड़े में लंगोट बनाएंगे तो वो गर्म करता है, इसलिए आपको हमेशा कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए लंगोट के। और लंगोट बनाने के लिए आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने रेड कलर का कपड़ा लिया हुआ है। तो अक्सर लोग रेड कलर का ही कपड़ा लेते हैं, तो अगर आप चाहें तो दूसरे कलर का भी बना सकते हैं लंगोट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कैसे करना है आपको, आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इसको ये कॉर्नर वाला भाग लिया है, तो कॉर्नर में आपको इस ऐसे आपको देखना है, इस तरह से आपको ये कर लेना है, कपड़े को रखना है आपको। अब आपको इसकी जो कमर की लंबाई है, तो पहले सबसे पहले आप जिसके लिए आप लंगोट बनाना चाहते हैं तो उसकी कमर की चौड़ाई नाप लीजिए पहले, उसकी कमर की लेंथ यानी घेरा उसका कमर का कितना है, तो उसी हिसाब से आप लंगोट बना सकते हैं। जैसा कि किसी की कमर अगर 32 इंची है या 34 इंची है या 36 इंची है, 38 या 40 है, जो भी हो उसी हिसाब से इसकी चौड़ाई रखना है लेंथ। तो आप जैसा देख सकते हैं कि अगर जैसा कि हम जिसके लिए लंगोट बना रहे हैं उसकी कमर की चौड़ाई जो है वो 34 इंच है, यानी 34 इंच। तो हम सबसे पहले इसको 34 इसको हम देखेंगे कि 34 कहाँ से तक आ रहा है। तो ये 34 आ रहा है, तो इसमें हम 2 इंची और इसको बढ़ाएंगे, इसको हम रखेंगे 36 इंच। तो 36 इंच हमने रख लिया है, तो यहाँ सब इसको हम इसको घड़ी कर लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसको हमने घड़ी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लेंथ है इसका ये 38 इंच होना चाहिए, और ये जो भाग है इसको बरोबर रखना है आपको। तो इस तरह से आप इसको रख लीजिए पहले, आप एक बार फिर से मेजरमेंट कर लीजिए इसको। तो ये 38 इंच बरोबर आ रहा है, 36 इंच आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फोल्ड होता है नाड़ी के लिए। तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। और इसका जो लंबाई है, अब आप सोचेंगे इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लंबाई इसमें ऑटोमेटिक जब आप कमर के हिसाब से लंगोट बनाएंगे तो लंबाई ऑटोमेटिक बैठ जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 12 इंच आएगी, और बाकी जो इधर कपड़े बढ़ते हैं वो आसन पट्टी में जाएगा, इतना कपड़े जो है वो आसन पट्टी में चले जाता है, जो हम यहाँ आसन पट्टी लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमने लंगोट बनाया हुआ है ये यहाँ से ये आसन पट्टी में चले जाता है। यहाँ कई सिलाइयाँ करनी पड़ती हैं ताकि ये आसन पे मजबूत हो, क्योंकि यह मेन आसन के भाग में रहता है, इसलिए यहाँ मजबूत तरह से रहता है।
और लंगोट बांटना बहुत फायदेमंद रहता है। जो लड़के जिम जाते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या पुलिस सेना में भर्ती होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, उनके लिए भी लंगोट बांधना बहुत अच्छी बात रहती है। तो इस तरह से आप लंगोट बना सकते हैं। अब इसमें आसन की पट्टी आपको कटिंग करना है, तो आसन की पट्टी जो है आसन की पट्टी हमने जो बताया आपको, अगर किसी को हाइड्रोसील वाले के लिए आप लंगोट बना रहे हैं तो उसकी आसन की पट्टी जो है उसकी चौड़ाई 8 इंची करनी है आपको। और नहीं तो अगर आप सिंपल में लंगोट बना रहे हैं तो आप उसके लिए आप 6 इंच पट्टी तैयार रखना चाहिए आसन पट्टी। तो फिलहाल हम इसको 6 इंच रखेंगे तैयार, तो हम इसको 7.5 इंच पर कटिंग करेंगे। तो हमने आप देख सकते हैं कि इसको सीधा सीधा पट्टी कटिंग कर लिया है, और जो इसका लेंथ है इसकी लंबाई जो है वो 40 इंची होनी चाहिए, क्योंकि यह आसन में डबल साइड बांधा जाता है। तो इसलिए आप अगर इसमें अगर लंबाई में कम पड़ रहा है तो यहाँ थोड़ा आप इसी साइड से आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ, और बढ़ा सकते हैं इसकी लेंथ, और इसकी जो है चौड़ाई जो है वो 7 इंची 6.5 इंची इतना आप रख सकते हैं। तो बाकी कपड़े जो बचते हैं वो आपको नाड़ी के लिए आ जाएंगे। और ये जो लंगोट है इसको आप डबल में रखें, अगर बहुत पतला कपड़ा है तो डबल रख सकते हैं, अगर बहुत मोटा कपड़ा है तो उसके लिए आप सिंगल भी रख सकते हैं, इसमें सिंगल भी बना सकते हैं। तो हमने इसको डबल रखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने डबल रखा हुआ है। तो अब इसमें यहाँ आसन पट्टी लग जाएगा, बाकी हम यहाँ सिलाइयाँ कर देते हैं साइड में ताकि ये सूते निकले नहीं। और यहाँ साइड साइड दोनों साइड में आप इस तरह से इतना फोल्ड करके इसमें आप नाड़ी फंसा करके सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लंगोट बना सकते हैं। और इसका स्टिचिंग का वीडियो हम इसमें अपने वीडियो पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो एंड स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लंगोट की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड होती हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।